दोस्तों, अगर आप भी गुटखा पान मसाला खाने के शौकीन हैं, या फिर अपने आसपास के लोगों को गुटखे की पिचकारी मारते हुए देखते समय आपके दिमाग में कभी ना कभी ये ख्याल तो आया ही होगा कि यार ये आखिर गुटखा बनाया कैसे जाता है। तो जनाब, चिंता की क्या बात है यार, हम आए हैं, बता के जाएंगे। जी हाँ, आज हम आपको एक से बढ़कर एक ऐसी मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट के बारे में बताने वाले हैं जिसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। बस वीडियो को एक सेकंड भी स्किप मत कीजिएगा, बहुत मजा आने वाला है। विस्की। दोस्तों, शराब दो तरह की होती है, एक देसी ठर्रा जिसे पीकर लोग सड़कों और नालियों में पड़े मिलते हैं, और दूसरी होती है महंगी और बढ़िया शराब जैसे कि विस्की, वाइन वगैरह वगैरह। ऐसे में आप लोगों ने जैक डेनियल्स विस्की के बारे में तो सुना ही होगा, पर क्या कभी आपने सोचा है कि इतनी महंगी और फेमस दारू को आखिर बनाया कैसे जाता है? दोस्तों, इस विस्की को बनाने के सबसे अहम इंग्रेडिएंट्स हैं कॉर्न, माल्टेड बैरली और राई। हर हफ्ते 150 से भी ज्यादा ट्रक अनाज लेकर फैक्ट्री पहुंचते हैं, जहां सबसे पहले माल्टेड बैरली को फर्मेंट किया जाता है और फिर बाकी के अनाज के साथ उसे मैश कुकर में डाला जाता है, जहां पर उसे 4 से 5 दिनों के लिए फर्मेंट होने के लिए छोड़ दिया जाता है और फिर उसे डिस्टिलेशन प्रोसेस के लिए भेज दिया जाता है। वहां पर अल्कोहल भाप बनकर दूसरे कंटेनर में जाते ही लिक्विड बन जाता है, हालांकि उसके अंदर का पानी वहीं रहता है। अब अल्कोहल को चारकोल यानी कि कोयले में डाला जाता है। इस कोयले को बनाने के लिए भी खास प्रकार के लकड़ियों का इस्तेमाल होता है और फिर पाइप में थोड़ी थोड़ी मात्रा में इस विस्की को कोयले में डाला जाता है, जिससे उसके अंदर की अशुद्धियां तो निकलती ही हैं, साथ ही साथ इसे एक अनोखा फ्लेवर भी मिलता है। अब अल्कोहल को स्टोर करके रखने के लिए लकड़ी के डिब्बे तैयार किए जाते हैं, जिन्हें बैरल्स कहा जाता है। इन्हें बनाने के लिए खास प्रकार की लकड़ियों का इस्तेमाल किया जाता है, जिन्हें मशीन के जरिए बिल्कुल परफेक्ट शेप में काटा जाता है और फिर लोहे की रिंग डालकर उसे पैक कर दिया जाता है, जिसके बाद उसे स्टीम और आग में से निकालते हैं और जो लकड़ी के कंटेनर को सील पैक कर देते हैं, और इन्हीं के जलने के कारण विस्की को ब्राउन कलर प्राप्त होता है। कंटेनर का ढक्कन बनाने के लिए भी सारी लकड़ियों को एक साथ रखा जाता है और फिर उसे गोलाकार में काटा जाता है, जिसके बाद कंटेनर की तरह ही कुछ समय के लिए जलाया जाता है और अब इन ढक्कनों को बैरल पर लगाकर उसे अच्छी तरह से पैक कर दिया जाता है। फिर इनमें एक हफ्ते के अंदर ही अंदर विस्की डाली जाती है। आपको बता दें कि हर एक बैरल में 56 गैलन विस्की फिट हो जाती है, पर दोस्तों यही काम खत्म नहीं होता। अब इस अल्कोहल को विस्की में बदलने के लिए इसे 4 से 7 सालों तक इसी तरह छोड़ दिया जाता है, तब जाकर हमें दिमाग को घुमा देने वाली जैक डेनियल्स विस्की मिलती है, जिसे पीने के बाद अच्छे अच्छों का मन चंगा हो जाता है। हॉट सॉस। जिन लोगों को थोड़ा बहुत तीखा खाना पसंद है वो तो पक्का हॉट सॉस के दीवाने होंगे, पर जनाब हॉट सॉस बनाने के लिए स्पेशल तरह की मिर्च की जरूरत होती है और इनमें से भी सिर्फ सही मात्रा में पके हुए मिर्च को ही लिया जाता है। सही मिर्च को एक जगह इकट्ठा करने के बाद उसमें नमक डालकर उसे अच्छी तरह से ग्राइंडिंग किया जाता है और फिर उस मिश्रण को बड़े बड़े कंटेनर्स में डाल दिया जाता है। नजारा आप देख सकते हैं कि कैसे चारों तरफ तीखी मिर्च का पेस्ट रखा हुआ है, जिनमें से अगर हल्की सी भी मिर्च आपकी आंखों या फिर मुंह के किसी भी हिस्से में लग गई तो दर्द और जलन से दिन में तारे दिखने लग जाएंगे जनाब। जी हाँ, मिर्च का पेस्ट डालने के बाद उसे सील पैक करके उसके ऊपर नमक डाल दिया जाता है, ताकि कंटेनर के अंदर बिल्कुल भी हवा ना जा सके, और फिर दोस्तों पूरे 3 साल के लिए उसे स्टोर करके इसी तरह रख दिया जाता है। स्टोर करके रखी गई मिर्ची के हर एक बैरल से 10,000 छोटी बोतल सॉसेस बनकर तैयार हो जाती हैं, जहां वो 3 साल बाद कुछ इस तरह दिखने लगती हैं, और फिर मिर्च को दूसरे इंग्रेडिएंट्स के साथ मिक्स किया जाता है, जैसे कि विनेगर वगैरह वगैरह। सब कुछ मिक्स करने के बाद हमारी सॉस टेस्टिंग के लिए पूरी तरह से तैयार हो जाती है। सब कुछ सही होता है तो फिर सॉस को पैक करने का काम शुरू हो जाता है। फैक्ट्री के अंदर एक दिन में 7 लाख बोतलों के अंदर सॉस भर के उन्हें बेचने के लिए यानी कि आपके खाने के लिए भेज दिया जाता है। एंजॉय करो और क्या। पीनट बटर। दोस्तों, पीनट बटर तो आप सभी ने खाया होगा, अगर नहीं खाया तो इसके बारे में सुना तो जरूर होगा ना। ये कितना ज्यादा फायदेमंद होता है ना, जिसे 1890 में अमेरिकी डॉक्टर द्वारा खोजा गया था, जिसे बनाने के लिए सबसे पहले तो पीनट यानी कि मूंगफली चाहिए होती है।
आपको बता दें कि बटर बनाने के लिए खास प्रजाति की मूंगफली का ही इस्तेमाल किया जाता है, जो बिल्कुल बेस्ट क्वालिटी की होती है, जहां मूंगफली के दानों को कन्वेयर बेल्ट में डाल दिया जाता है ताकि वो अच्छी तरह से रोस्ट हो सके। हर घंटे 3000 से भी ज्यादा किलो की मूंगफली इस रोस्टर से गुजरती है। जब वो इस मशीन से बाहर निकलती है तब उनका रंग व्हाइट से पूरी तरह से रोस्ट होकर ब्राउन में बदल जाता है। अब मूंगफली को फिर से ठंडा किया जाता है और फिर मूंगफली को एक ऐसी मशीन के अंदर से गुजारा जाता है जो इनके बाहर के छिलके को अलग करके साइड कर देता है और फिर सिर्फ मूंगफली के छोटे छोटे दानों को बड़े से स्टील कंटेनर में डाल दिया जाता है, जहां से वो नीचे लगे ग्राइंडर पर गिरते हैं, जिसके बाद नमक, शक्कर और तेल जैसे कई सारे इंग्रेडिएंट्स डाले जाते हैं। अब जो पीनट बटर का पेस्ट होता है ना, वो बनकर तैयार हो जाता है, जिसे ठंडा होने के लिए रख दिया जाता है। ठंडा होने के बाद पीनट बटर पूरी तरह से रेडी है, खाइए आप इसे। और अब बारी आती हालांकि पैकेजिंग की। जी हाँ, पैकेजिंग, जिसमें एक एक करके जार के अंदर पीनट बटर भर के सील पैक कर दिया जाता है और फिर ढक्कन लगाकर उन्हें बाजारों में आपकी सेहत बनाने के लिए भेज दिया जाता है। खाओ और खुश रहो। हम्मस। दोस्तों, अगर आप भी बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स में विदेशी खाना खाने के शौकीन हैं तो आपको हमस के बारे में तो जरूर पता होगा, जो मटर से बना हुआ सॉस है, जो अमेरिका जैसे देशों में बहुत ही फेमस है। जब ये मटर फैक्ट्री में आते हैं तो सूखे हुए होते हैं, इसीलिए उन्हें कन्वेयर बेल्ट से वाइब्रेटिंग प्लेटफॉर्म पर डाला जाता है, जिससे उसके अंदर के कंकड़ निकल जाते हैं। अब इन्हें पानी में डालकर अच्छी तरह से साफ किया जाता है। पानी से निकलने के बाद उन्हें दूसरे बड़े से टैंक में डाला जाता है, जिसके लिए मूविंग बकेट का इस्तेमाल होता है। हर बड़े बड़े टैंक में लाखों करोड़ों मटर मौजूद होते हैं और फिर साफ पानी में इन्हें 4 घंटों के लिए भिगो दिया जाता है, ताकि मटर अच्छी तरह से फूल कर सॉफ्ट हो जाए। बाद में इन्हें बड़े से ट्रे में भरा जाता है और फिर उन्हें गोल सिलेंड्रिकल कुकर में डाल दिया जाता है, जो पहले से ही 140 डिग्री सेल्सियस पर हीट होता है। अब इस कुकर में मटर आधे घंटे के लिए पक जाता है, ताकि मटर को और भी ज्यादा मुलायम बनाया जा सके। अब जो पका हुआ मटर है उसे दूसरे कंटेनर में डाला जाता है, जहां से कन्वेयर बेल्ट उसे ग्राइंडर के पास ले जाता है। अब इसके अंदर पानी और सनफ्लावर ऑयल डाला जाता है और साथ ही उसमें नमक भी डाल दिया जाता है। ये सारी चीजें ग्राइंडर में जाकर पेस्ट में बदल जाती हैं। अब बारी आती है इसके अंदर फ्लेवर्स डालने की, ताकि अलग अलग फ्लेवर्स का हम्स तैयार हो सके। अब तब जाकर इनकी अच्छी तरह से टेस्टिंग होती है और अगर सारी चीजें बिल्कुल सही हैं तो इन्हें डिब्बों में भरने के लिए भेज दिया जाता है, जहां नोजल होते हैं, जो बिल्कुल सही मात्रा में डिब्बों के अंदर पेस्ट भरता जाता है। अब डिब्बों के ऊपर प्लास्टिक की कवरिंग चढ़ाई जाती है, ताकि उसके अंदर का मटेरियल बिल्कुल फ्रेश बना रहे और कोई भी चीज उसके अंदर ना जा सके। अब बारी आती है ढक्कन लगाने की, जिसे अच्छी तरह से मशीन के जरिए सील पैक कर दिया जाता है और फिर अंत में डिब्बे के ऊपर लेबल लगाकर उसे अलग अलग जगह पर एक्सपोर्ट करने के लिए भेज दिया जाता है। गुटका। अब बात करते हैं गुटका की, जिसमें हम इसके अंदर डालने वाले कुछ ऐसे सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स के बारे में बताएंगे, जिसे सुनकर आप दंग रह जाएंगे, क्योंकि पान मसाला या फिर गुटका बेटल लीफ, नीम, सुपारी, लौंग, इलायची और तंबाकू के मिश्रण से बनकर तैयार होता है। लेकिन इसके अंदर एक ऐसी चीज भी डाली जाती है जिसके बारे में आपको बताया तक नहीं जाता, और वो कुछ और नहीं बल्कि कांच का पाउडर है। जी हाँ दोस्तों, हम बिल्कुल भी मजाक नहीं कर रहे। गुटका तैयार करने के लिए सबसे पहले तो सुपारी के फलों को टहनियों से अलग किया जाता है, बाद में लोग इसके अंदर मौजूद गीली सुपारी निकालते हैं और फिर इन सुपारियों को जहरीले लाल रंग में डाला जाता है, ताकि इन्हें खाने पर आपका मुंह भी लाल हो जाए। जब इनमें अच्छी तरह से रंग मिल जाता है तब इन्हें सुखाने की बारी आती है। जब सुपारी सूख जाती है तो इनके छोटे छोटे टुकड़े होते हैं और अब फिर बाद में सुपारी के छोटे छोटे टुकड़ों में कत्था, चूना और बाकी सारी सामग्रियां मिला दी जाती है, जिसके बारे में आप गूगल वगैरह पर सर्च करके तो पता कर सकते हैं। ये बहुत ही छोटी बात है, लेकिन बड़ी बात तो हम आपको बताते हैं। अब बारी आती है गुटके के सबसे खतरनाक इंग्रेडिएंट की, और उसके लिए कांच के छोटे छोटे टुकड़े करके उसमें महीन पाउडर करके उसे मिला दिया जाता है, और फिर उसी कांच के पाउडर की वजह से जब कोई बंदा गुटका खाता है तो उसके मुंह में छोटी छोटी खरोच आ जाती है। असल में गुटका खाने से जो जख्म होता है
उस पर निकोटिन लगता है और झनझनाहट महसूस होती है, जिसके बाद तो आए हाय हाय नशा चढ़ना शुरू होता है और उसी से लोगों को आता है मजा। पर आप खुद ही सोच के देखिए ना कि यही कांच का पाउडर आपके पेट के अंदर जाता है तो पेट के अंदर कितना बड़ा नुकसान करता है, हम और आप सोच भी नहीं सकते। अब आप खुद ही सोच लीजिए कि 2 मिनट के मजे के लिए आप अपनी जिंदगी भर की सजा के लिए तैयार हैं, तो आप गुटखा खाइए, वरना अभी से इसे टाटा बाय बाय और नमस्ते कह दीजिए। तो दोस्तों, ये थी हमारी विस्की से लेकर गुटखा पान मसाला की मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। आपको देख के समझ में आ ही गया होगा कि कौन सी चीज खाने लायक है और कौन सी नहीं। वैसे आपको क्या कहना है इस बारे में, नीचे हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए और ऐसी ही वीडियोस को देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।